नमस्कार, न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के इस खास कार्यक्रम क्या हाल है में आपका स्वागत है। और मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री का चेहरा जो है वो अब सामने आ गया है। लंबे समय से मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर संशय बना हुआ था और अब उच्च शिक्षा मंत्री को मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश का विधायक दल ने चुन लिया है और उसको लेकर देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में कर्मचारियों में खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। मोहन यादव उच्च शिक्षा मंत्री थे तो कहीं ना कहीं जो कर्मचारी है उनके चेहरे पर जो खुशी है वो साफ तौर पर देखी जा सकती है। उन्हीं से जान लेते हैं उनके क्या हाल हैं। सर, क्या हाल हैं आपके? बिल्कुल, बहुत अच्छे हाल हैं, बहुत हमें खुशी है। बहुत ही मध्य प्रदेश को गौरवान्वित करने के लिए माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जो पूर्व थे उन्हें मुख्यमंत्री पद का दायित्व दिया गया है। माननीय मंत्री जी विश्वविद्यालय कि हमारी विभिन्न समस्याओं से बहुत अच्छी तरह वाकिफ थे और निश्चित ही उनके मुख्यमंत्री बनने से हमारी जो समस्याएं उनका निदान होगा और निश्चित ही मध्य प्रदेश एक नए विकास की ओर जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि निश्चित ही उनके नेतृत्व में मध्य प्रदेश पूरे भारत में प्रथम श्रेणी में खड़ा रहेगा, हमें अपेक्षा करते हैं। और निश्चित ही बहुत ही समर्पित, बहुत ही जमीन से जुड़े हुए माननीय मंत्री जी हैं और निश्चित ही उसका फायदा पूरे प्रदेश को मिलेगा। अच्छा, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के कर्मचारी जो लगातार मांग भी कर रहे थे, उच्च शिक्षा मंत्री से मांग कर रहे थे, वो खुद ही प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बन गए हैं, तो क्या लग रहा है कि अब मुख्यमंत्री मोहन यादव से क्या कुछ उम्मीदें आप लोगों को बढ़ गई हैं? बिल्कुल, आपने सही कहा। माननीय मुख्यमंत्री जी के पूर्व के उच्च शिक्षा मंत्री के कार्यकाल में विश्वविद्यालय कर्मचारियों की बहुत काफ़ी समय से जो लंबी समस्याएं थी उनका उन्होंने बहुत ही त्वरित रूप से निराकरण कराया गया। प्रमुख रूप से हमारे कर्मचारियों की पेंशन का मामला था। विश्वविद्यालय के कर्मचारियों को छठे वेतनमान से 139% वेतन पेंशन मिल रही होगा, डीए मिल रहा था। माननीय मुख्यमंत्री जी जब उच्च शिक्षा मंत्री थे तो उन्हें हमें तत्काल 62% की स्वीकृति दी गई। वो लगभग हमारा मतलब राज्य शासन के कर्मचारी जो छठे वेतनमान से पेंशन ले रहे हैं उनके लगभग बराबर हो गई थी। साथ ही जो हमारे यहाँ 20 से 25 वर्ष से जो कर्मचारी कार्य कर रहे थे चतुर्थ श्रेणी के, उनको नियमितीकरण के लिए भी माननीय उच्च शिक्षा मंत्री के रहते हुए माननीय मुख्यमंत्री द्वारा हमें सहमति प्रदान की गई थी। वो निश्चित ही विश्वविद्यालय के कर्मचारियों की अन्य भी जो लंबी समस्याएं थी, साथ ही विश्वविद्यालय की शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने के लिए माननीय उच्च शिक्षा मंत्री माननीय मुख्यमंत्री द्वारा उच्च शिक्षा मंत्री रहते हुए विश्वविद्यालय में जो खाली पद थे, लगभग 100 पद हमारे यहाँ शिक्षकों के खाली पद थे, उनकी भर्ती के लिए सहमति प्रदान की गई और अभी हमारे यहाँ भर्ती प्रक्रिया चालू है। सर, आप सर क्या हाल हैं? आप काफी समय से देख रहे हैं, आप लंबे समय से यहाँ पर कार्यरत होंगे, क्या कुछ उम्मीद आप मोहन यादव से हैं? माननीय मोहन यादव जी को सबसे पहले तो देवी अहिल्या बधाई। उन्होंने शिक्षा मंत्री रहते हुए हम लोगों की जो पेंशन की समस्या थी उसको समझा था और उनके कार्यकाल में ही 139 से सीधे 201% दिए उन लोगों ने। मोहन यादव जी के ही प्रयासों से हमें मिला था। उन्होंने पेपर में भी छापा था कि जो अधिकारी इनकी मांगों को रोक रहे हैं, इनकी मांगे जायज हैं, पूर्ति होना चाहिए। वर्तमान में हमारा सातवें वेतनमान से पेंशन प्रकरण जो है वो लंबित पड़ा हुआ है और हमें मुख्यमंत्री जी से पूरी पूरी आशा है कि प्रथम या द्वितीय बैठक में हमारे सभी पेंशनर्स को सातवें वेतनमान से पेंशन की घोषणा वो करवा देंगे, ऐसी हम सब उम्मीद उनसे रखते हैं। सर, काफी खुशी का माहौल जो है वो देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के कर्मचारियों में, क्योंकि उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ही अब जो है वो प्रदेश के मुख्यमंत्री कहलाने वाले हैं, क्योंकि वो आप लोगों की समस्याओं से रूबरू हुए थे, हर बार समस्याओं को जाना भी था, तो क्या अब उनसे और उम्मीदें जो है वो आप लोगों की बढ़ गई है? मोहन यादव जी जब उच्च शिक्षा मंत्री रहे तब उन्होंने कर्मचारियों की जो जो ज्वलंत समस्याएं थी उनका त्वरित निराकरण करने का उन्होंने प्रयास किया है और उनके द्वारा किए गए प्रयासों का ही प्रतिफल है कि जो विश्वविद्यालय के कर्मचारी शासन के कर्मचारियों से काफ़ी पीछे चल रहे थे वो उसके नज़दीक आए और अब तो स्वयं मुख्यमंत्री मोहन यादव जी बन गए हैं, तो उनको विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के अलावा प्रदेश के कर्मचारियों की भी एक आशा जगी है कि मोहन यादव जी का जो कार्यशैली है उनका कार्यशैली त्वरित निर्णय लेने की है और हम लोग इंदौर के और उज्जैन के बिल्कुल नजदीक के लोग हैं तो इंदौर के लोगों में एक अलग से खुशी की है। इंदौर के कर्मचारी अभी हमारे जो ग्वालियर बालाघाट वगैरह के जो हमारे कर्मचारी साथी हैं उनके फोन आ रहे हैं कि भैया तुम लोगों के पास के मुख्यमंत्री बन गए, अब हम लोगों को समस्या कम होगी। तो हम लोग भी कह रहे हैं कि मोहन यादव जी बहुत सुलझे हुए व्यक्ति हैं, बहुत त्वरित निर्णय लेने वाले हैं, उनकी कार्यशैली हमने जब वो उच्च शिक्षा मंत्री थे तब देखी है, वो किसी भी कार्य को टालने की कोशिश नहीं करते हैं। वो कहते हैं यदि ये समस्या है तो इसका निराकरण क्या होगा, अधिकांश वो प्रयास करते हैं कि जो संबंधित अधिकारी हैं उनको उसी समय बुलवाते हैं और
निर्णय निर्देश देते हैं कि इसका यदि आज ही निराकरण होता है तो आज ही इसका निराकरण करें। ऐसे त्वरित निर्णय लेने वाले मोहन यादव जी को यदि हमारे प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया है तो प्रदेश के सारे कर्मचारियों में काफी हर्ष है। विश्वविद्यालय के कर्मचारी तो उनसे काफी पहले से ही प्रभावित हैं और सभी आशा करते हैं कि उनके मुख्यमंत्री काल में हमारे कर्मचारियों के और विश्वविद्यालय के कर्मचारियों की समस्याओं का निराकरण त्वरित गति से होगा। मोहन यादव जी अपनी एक अलग कार्यशैली के लिए जाने जाते हैं, विश्वविद्यालय की कई परेशानियां समस्याओं को भी उन्होंने समाधान किया है, अब आगे क्या कुछ उम्मीद है उनसे, आप लोगों को क्या कुछ मांग रहेगी अब उनसे? निश्चित तौर पर सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूँ, देवेल्ला विश्वविद्यालय कर्मचारी संघ की ओर से, मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय कर्मचारी महासंघ की ओर से, और निश्चित तौर पर कल तक जब तक मुख्यमंत्री की घोषणा नहीं की गई थी और कल तक हम भी बहुत असमंजस में थे, कुछ टेंशन भी था, बड़े बड़े नाम थे इसमें, और पिछली तीसरी पंक्ति से उठा के जब मोहन यादव जी को मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा की तो बहुत अच्छा हालचाल भी हो गया हमारा और बहुत खुशी हुई। निश्चित तौर पर जो जिस प्रकार की हमारी कुछ मांगे लंबी मध्य प्रदेश शासन में, और जैसा कि हमारे पूर्व वक्ताओं ने भी बताया कि आदरणीय मोहन यादव जी उच्च शिक्षा मंत्री रहे हैं तो उन्हें हमारी जो भी परेशानी और जो भी समस्या उसका ज्ञान है, नॉलेज में है उनके, तो निश्चित तौर पर बहुत सरल व्यक्ति हैं, बहुत आसानी से उपलब्ध होते हैं और सबकी बात सुनते हैं, सबसे बड़ी बात यह है, और उसका निराकरण तत्काल कराने की बात करते हैं। तो निश्चित तौर पर आदरणीय मोहन यादव जी को हम आपके चैनल के माध्यम से बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं। बिल्कुल, एक खुशी का माहौल है सर, खुशी का माहौल है। आपने तो कई चुनाव देखे होंगे, 20वें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री चुने गए हैं कल, तो कभी ऐसा हुआ है कि तीसरी पंक्ति में बैठा हुआ व्यक्ति जिसका नाम नहीं सुना, मुख्यमंत्री के दौड़ में नहीं रहे और वो मुख्यमंत्री बनकर पहली पंक्ति में सबसे पहले व्यक्ति बन जाते हैं, तो कभी ऐसा इतिहास में देखा है आपने? जी नहीं, अभी तक तो इस तरह का कोई मतलब उदाहरण नहीं हुआ, ये पहला उदाहरण है जिसमें मतलब एक नए व्यक्ति को और युवा व्यक्ति को मतलब मुख्यमंत्री बनाया गया है। सर, ये चौंका देने वाला जो नाम सामने आया है, अब इससे क्या कुछ उम्मीदें जो हैं वो आपकी बढ़ गई हैं, क्योंकि उनकी कार्यशैली जो एक अलग कार्यशैली के लिए भी जाने जाते हैं? असल में क्या है, ये विक्रम विश्वविद्यालय में मतलब जो है कार्य परिषद वगैरह के भी सदस्य रहे हैं, उन्हें विश्वविद्यालय कार्य प्रणाली का बहुत अच्छा ज्ञान है, इसलिए पूरी उम्मीद की जा सकती है कि मतलब जो है वो विश्वविद्यालय कर्मचारियों को काफ़ी कुछ मतलब जो है राहत दिलाएंगे। काफ़ी राहत की उम्मीद है सर, क्या लग रहा है क्या राहत अब मुख्यमंत्री मोहन यादव दे सकते हैं आप कर्मचारियों को? मुख्यमंत्री यादव जी जो है ऊर्जावान नेतृत्व है और वो उनकी टीम पूरी जो है कर्मचारी हितैषी रही है, अभी तक जो उनके निर्णय रहे हैं माननीय उच्च शिक्षा मंत्री के कार्यकाल में हमने देखा है कि उन्होंने तत्काल निर्णय लिए हैं और हम उनसे आशा करते हैं कि मध्य प्रदेश का कर्मचारी जो है उनके राज्य में जो है सुखी और संपन्न होगा, वो हमारी हर समस्या का हल जो है तुरंत निपटाएंगे। हम पूरे कर्मचारी मध्य प्रदेश शासन के 7 लाख कर्मचारी, हम उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ काम करेंगे। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत बधाई। बिल्कुल, उनके साथ काम करने की बात कर रहे हैं कि अब जो है यहाँ के जो कर्मचारी हैं देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के, लंबे समय से उच्च शिक्षा मंत्री के साथ जुड़े हुए भी रहे हैं, उन्होंने मांगे भी पूरी की हैं, क्या ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसी मांगे जो पूरी नहीं हुई हैं उनको वापस से आप पूरी कराने की बात करेंगे, क्योंकि अब तो खुद ही मुख्यमंत्री, अब तो मांगे पूरी उन्हीं को ही करना है? मैं आपके चैनल के माध्यम से हमारे बड़े भाई ऊर्जावान श्री मोहन यादव जी, जो मुख्यमंत्री का आज उन्होंने पद ग्रहण करेंगे कल, वो मैं उन्हें बधाई देना चाहता हूँ। मैं उनका छोटा भाई हूँ, मेरा नाम भी रमेश यादव पहलवान है। भाई साहब का जब नाम आया तो पूरे प्रदेश के अंदर ऐसी हलचल पैदा हो गई कि पूरे कर्मचारी भाई जगत में सभी दूर मतलब कि भाई मोहन यादव जी मुख्यमंत्री बन गए, मोहन यादव मुख्यमंत्री बन गए। तो कर्मचारियों के जिस प्रकार से अभी हमारे भाई हरीश भैया ने बताया कि बाहर से फ़ोन आ रहे थे, तो ऐसे हमारे पास भी बहुत सारे फ़ोन आए कि भैया आप तो परिवार के होंगे वहाँ पर, मैंने कहा हमारे परिवार के बड़े भाई हैं क्या समझे, तो बोले भाई साहब जो कर्मचारी की जो समस्या है, तो हमारी जो पुरानी जो समस्या है, एक पेंशन की, एक लिपिक वर्ग की विसंगतियाँ हैं, वो है मतलब बहुत सारी जो थी कर्मचारियों की मांगे, अब वो समय के साथ हर से एक ऐसा वो आया है कि वास्तव में मोहन यादव जी हैं जो एक तो वो ईश्वर की इसी गर्भ, उनका नाम भी मनमोहन ही है, मतलब मोह लेने वाले हैं वो, और सब समस्या को हल करेंगे वो।
अब हमारा मांग आपकी नई क्या मांगे रहने वाली है उनसे, क्या कुछ मांगे हमारी? यही कि हमारे जो कर्मचारी भाई हैं जिनकी पुरानी पेंशन है, विस्तृतीकरण है, जो छठा वेतन मान है, बहुत सारी जो भी है समस्याएं, हम उनसे उनको अवगत कराएंगे। और हमारे की इसी हमारी अपेक्षा है कि हमारे मोहन यादव जी संपूर्ण कर्मचारियों की मांगों को पूरा करेंगे। धन्यवाद रमेश यादव। बिल्कुल मांगे हैं और कई मांगों को लेकर अब फिर से प्रयास करेंगे। अच्छा, क्या लग रहा है सातवें वेतन मान जो आप लोग मांग रहे हैं, अब कितनी उम्मीद है कि अब मोहन यादव के बनने के बाद आपको कितने समय मिल जाएगा? पूर्व में यादव जी जब उच्च शिक्षा मंत्री थे तो उनसे कई बार इस संबंध में चर्चा भी हुई है, कई बार पत्र भी दिया गया है और आश्वासन भी दिया था पूर्व में कि इसमें और शासन स्तर पर इस पर कार्रवाई चल भी रही है, संभवतः जल्दी ही इसका जो है निराकरण हो जाएगा। अच्छा, क्योंकि उसके लिए कुछ बजट भी शायद मोहन यादव जो है मुख्यमंत्री बन गए हैं, अब उनसे और उम्मीदें बढ़ गई होंगी आप लोगों? बिल्कुल उम्मीदें इसलिए बढ़ गई, खास करके विश्वविद्यालय के कर्मचारियों को तो ज्यादा ही उम्मीदें हैं, इसलिए कि उच्च शिक्षा से ही पहले थे और यहाँ की सारी समस्याओं से अवगत थे और काफी समस्याओं का निराकरण कर भी चुके हैं। कुछ समस्याएं जो बची हुई हैं उसमें चूंकि उनके नॉलेज में पहले से ही है तो संभवतः ये है कि उम्मीद पूरी है कि जल्दी से जल्दी जो है ना सातवें वेतन मान का और कर्मचारियों संबंधी जो भी अन्य मांगे हैं उसमें बहुत जल्दी निराकरण होगा और हमको सफलताएं मिलेंगी। बिल्कुल सर, चेहरा बदल गया है, नया चेहरा आ गया है और जब भी नया चेहरा आता तो उम्मीदें स्वाभाविक सी बातें बढ़ जाती हैं। अब क्या लग रहा है जो बड़ी हुई उम्मीद है इस बार वो कितनी जल्दी पूरी होंगी? अब आज से लगभग 4 माह पूर्व जो है पूरे प्रदेश के अंदर मध्य प्रदेश महासंघ की ओर से आंदोलन किया गया था और लगभग 19 दिन चला था। तो एक स्थिति ऐसी आई थी कि जब आंदोलन को निमटाने की बात हो रही थी, हटाने की बात हो रही थी और कर्मचारियों में बड़ा आक्रोश भी था और इसी बीच जब कर्मचारी महासंघ के लोग माननीय मंत्री जी से मिले थे तो दूसरे दिन उनका एक छोटा सा बयान समाचार पत्रों में आया था कि कर्मचारियों की मांगें जायज है। सिर्फ इतनी सी बात ने जो है हलचल मचा दी थी पूरे प्रशासन में और दूसरे दिन ही जो है हमारे महासंघ को वहाँ पर चर्चा के लिए बुलाया गया और 7 सूत्रीय मांग पत्र जिस पर हम लोग आंदोलन कर रहे थे उसमें लगभग सभी बिंदुओं की ओर बहुत ही सकारात्मक दृष्टि से निर्णय लिया गया। उसमें 2 बिंदु ऐसे थे, एक श्रमसाध्य भत्ता, जैसे कि शासन के द्वारा हमेशा एक कैलेंडर घोषित किया जाता है कि पूरे प्रदेश के अंदर किस प्रकार से शिक्षा नीति को आगे बढ़ाया जाए, उसके अंदर पूरे प्रदेश के हमारे कर्मचारी विशेष योगदान देते हैं लेकिन उन्हें अवकाश के दिनों में आदि में जो है भत्ता वगैरह आगे नहीं मिल पा रहा है, वो एक प्रमुख मांग थी और उस पर उन्होंने सकारात्मक दृष्टि रखते हुए कहा था कि हम अतिशीघ्र इसको हल करेंगे। एक वो मांग है, दूसरा जो है सातवें वेतनमान से पेंशन मिलना एक जायज मांग है जिसका हमारे संविधान के अंदर भी उल्लेख किया गया है, सरकार की सहमति भी है, उसके बाद भी सातवें वेतनमान से पेंशन नहीं मिल पा रही है, उसकी तरफ काफ़ी रोचक दृष्टि सभी लोगों की अपेक्षाएं हैं कि निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी इस पर सकारात्मक दृष्टिकोण से विचार करते हुए इसको हमारे पक्ष में निर्णय सुनाएंगे। बिल्कुल खुशी का तो माहौल है ही और काफ़ी खुशी भी होनी चाहिए क्योंकि आप लोग लगातार जब भी आंदोलन कर रहे थे तो उनके टच में भी रहे, लगातार आप लोगों की बात भी हुई है। जो स्थायी करने की आप लोगों की मांग थी वो अब कहाँ तक पहुँची, कितने लोग स्थायी हो गए, कितने बचे हुए जिनके लिए अब आप फिर से उनसे बात करने वाले हैं? निश्चित ही विश्वविद्यालय में अभी माननीय मुख्यमंत्री जो उच्च शिक्षा मंत्री का जो प्रभार था उन्होंने हमें चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए जो पद रिक्त थे उनके उसमें भरने के लिए अनुमति दी थी और उसमें हमने 82 कर्मचारियों को नियमितीकरण का लाभ हुआ, पूरे प्रदेश के विश्वविद्यालयों में नियमितीकरण का कार्य हुआ और निश्चित ही अब तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों का नियमितीकरण अभी हमारा होना शेष है। साथ ही 2007 के बाद के जो नियुक्त कर्मचारी थे उनका नियमितीकरण भी होना शेष है तो निश्चित ही हमें उम्मीद करते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यकाल में ये जो शेष खचे हैं काम है। साथ ही हमारे विश्वविद्यालय में शिक्षकों के जो पद रिक्त हैं उनके भी वर्तमान में भर्ती चल रही है और पूरे प्रदेश के विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती चल रही है तो निश्चित ही विश्वविद्यालय में शिक्षा की गुणवत्ता में बहुत ही क्रांतिकारी परिवर्तन आएगा, बहुत सुधार आएगा और हमारे कर्मचारियों की जो वाजिब मांगे हैं, जो अधिकार हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यकाल में हमको मिलेंगे, हम आशा नहीं हमारा पूर्ण विश्वास भी है। सातवें वेतनमान से पेंशन के लिए कब अब चर्चा करने वाले हैं मुख्यमंत्री जी से? पर निश्चित ही माननीय मुख्यमंत्री जी का कल शपथ समारोह हो जाए और इसके बाद हम उनसे अतिशीघ्र समय लेंगे और हमारा कर्मचारी महासंघ का पेंशन एसोसिएशन का एक प्रतिनिधिमंडल हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलेगा और निश्चित ही हमें आशा ही नहीं वरन पूर्ण विश्वास भी है क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी के पूर्व के उच्च शिक्षा मंत्री के कार्यकाल में उन्होंने हमारे कर्मचारियों के जो पेंशन फंड है उसमें शासन की तरफ से 80 करोड़ रुपये देने का प्रावधान का प्रस्ताव दिया था, वो मामला कैबिनेट में जाने ही वाला था, इसी बीच में चूंकि आचार संहिता आ गई तो निश्चित ही जो हमारा पेंशन फंड में शासकीय योगदान का जो प्रावधान है निश्चित ही उसकी मांग हमारी पूरी होगी और निश्चित ही हमारे जो विश्वविद्यालय के कर्मचारी हैं उनको राज्य शासन के कर्मचारियों के समान नियमित रूप से पेंशन मिलेगी, उनके बराबर पेंशन मिलेगी, ऐसा हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि ऐसा निर्णय कर्मचारी हित में लेंगे। बिल्कुल कई उम्मीदें हैं सर, क्या लग रहा है अब
अपनी मांगों के लिए आपको धरना प्रदर्शन अब ये नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि अब उच्च शिक्षा मंत्री जो आपकी हर एक समस्या से वाकिफ हैं वो अब मुख्यमंत्री बन रहे हैं। वास्तविक बात है, मोहन यादव जी के मुख्यमंत्री बनने के पश्चात विश्वविद्यालय के कर्मचारियों को तो और उच्च शिक्षा विभाग के जितने कर्मचारी हैं उनको तो ये विश्वास हो गया है कि अब हम लोगों को किसी मांग के लिए धरना प्रदर्शन आंदोलन नहीं करना पड़ेगा। वो इन मांगों से पूरी तरह परिचित हैं और पॉजिटिव उनका जो नज़रिया रहा है शुरू से पॉजिटिव रहा है कि कर्मचारियों का जो भी समस्या है उसको उनका हक मिलना चाहिए। और जब कर्मचारी संघ के विश्वविद्यालय कर्मचारी संघ के प्रतिनिधि मंडल उनसे मिलेंगे तो उनको सारी समस्याओं से वो अवगत हैं, तो मैं नहीं समझता हूँ कि निर्णय लेने में वो कुछ देर लगाएंगे। और उनके मुख्यमंत्री बनने से ही विश्वविद्यालय के कर्मचारियों को ऐसा लग रहा है कि हमारी तो समस्या हल हो गई है। अब मुख्यमंत्री बन गए मोहन यादव, कितनी उम्मीदें और जाग गई अंदर? एक्चुअली क्या है, मोहन यादव जी जो है हमारे लिए नए नहीं है, वो हमारे अपने हैं। हमसे हमेशा उन संपर्क रहा है, हमारे कर्मचारी साथियों से, हमारे कर्मचारी नेताओं से सबका संपर्क रहा है, अच्छी तरह से समझते हैं। शासन ने भी कर्मचारियों की समस्या को पूरी करने के लिए कई कदम उठाए, लेकिन कुछ बाकी हैं। जैसे कि संविदा कर्मचारी शब्द हटाना और सभी कर्मचारियों को नियमित नियुक्ति प्रदान करना, और बचे हुए जो कर्मचारी किसी प्रकार अगर नहीं हो पाते तो उनको 100% वेतन वृद्धि दिलवाना, ये शासन का एक काम जो बचा हुआ है। हमको ऐसा लगता है कि कर्मचारियों के लिए मोहन यादव जी ये काम क्रम से पूरा करेंगे। और कर्मचारियों के लिए सबसे बड़ी चीज, वो कर्मचारियों की अक्सर मांग रहती कि पुरानी पेंशन लागू करी जाए, तो पुरानी पेंशन भी हम चाहते हैं कि पुरानी पेंशन लागू हो जाएगा तो सभी जो रिटायर भी होगा जो बाद में निमित्त में सबका भला हो जाएगा। तो हमारी ऐसी आशा है कि पुरानी पेंशन लागू हो, संविदा कर्मचारी शब्द खत्म हो, दैनिक वेतन भोगी खत्म हो। और विश्वविद्यालय में यूं भी कर्मचारियों की बहुत कमी है, इसलिए नई नई नियुक्तियां हो और क्रम से जो कर्मचारी अभी वर्तमान में काम करें उनके पे बोझ कम हो। तो हमारी ऐसी आशा है कि ये इस ओर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी इस ओर पहल करेंगे, इस ओर को काम करेंगे, और हमारा उनसे सभी कर्मचारी संगठनों की ओर से उन्हें हार्दिक बधाई शुभकामना। हाँ सर, क्या लग रहा है, कितनी और उम्मीदें बढ़ गई हैं? मोहन यादव जी हमारे पूर्व शिक्षा मंत्री रहे हैं और वो विश्वविद्यालय पेंशनर्स और विश्वविद्यालय कर्मचारियों की मांगों से और उनकी समस्याओं से अच्छी तरह वाकिफ हैं। उनके मुख्यमंत्री बनने से हम लोगों को उम्मीद बहुत जागी है, क्योंकि जब वो उच्च शिक्षा मंत्री थे तो हमें जो हमारे विश्वविद्यालय पेंशनर्स हैं पूरे प्रदेश के शासकीय विश्वविद्यालयों के, उनके महंगाई भत्ते में उन्होंने 201% की वृद्धि करवा के हम लोगों को भुगतान करवाया था, और सातवें वेतनमान से पेंशन देने के लिए उन्होंने फाइल भी आगे बढ़ाई थी, किसी कारण से तो फाइल मंत्रिमंडल में नहीं जा पाई। अब हमें उम्मीद है कि माननीय मोहन यादव जी खुद मुख्यमंत्री बन गए हैं तो हमारी जिन समस्याओं से वाकिफ हैं उनको पूरा ध्यान दे करके शीघ्र पूरा करेंगे, ऐसी हमें सभी को उम्मीद है। तो उच्च शिक्षा विभाग के कर्मचारी जो हैं उनमें खुशी की लहर ऐसे दौड़ती हुई नजर आ रही है, एक दूसरे को मिठाई खिलाते हुए यहाँ नजर आ रहे हैं, और अब लग रहा है कि जो आने वाले समय में उनकी जो मांगे हैं, सातवें वेतन की मांग हो या परमानेंट करने की मांग हो, वो अब जल्द पूरी होती नजर आएगी। कैमरामैन राजा खान के साथ हेमंत शर्मा, न्यूज 24 इंदौर।